दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ फिर से मीशो शॉपिंग हॉल। एंड मीशो एंड फ्लिपकार्ट से मैंने दोनों से ही कुछ कुर्तियाँ बुलवाई हैं, कुछ ड्रेसेस बुलवाई हैं, जो कि फेस्टिवल के हिसाब से भी है, साथ ही कैजुअल वेयर भी है। तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी आप लोगों को और बहुत अच्छे प्राइस में है ये। ज़्यादा हाई लेवल मतलब इनका रेट नहीं है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उसके पहले यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि मीशो को आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मीशो को भी डाउनलोड करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप फटाफट से उसे डाउनलोड करिए। तो आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर मिलेंगे 30% ऑफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो मेरी फर्स्ट ड्रेस है ना, क्या बताऊं, बिल्कुल कमाल की है। और चलिए दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो जो मेरी फर्स्ट ड्रेस नहीं है, ये एक साड़ी है और कॉटन में है ये साड़ी, व्हाइट कलर में है, साथ ही रानी कलर है, पिंक रानी कलर जो कहते हैं डार्क, वो उसकी इस तरह से बॉर्डर बनी हुई है और इस तरह के बूटे बने हुए हैं उसमें। तो पूरी साड़ी ऐसी ही है और काफी सुंदर, मुझे इस तरह की साड़ियां बहुत ज्यादा पसंद हैं, तो इसलिए मैंने ये कलर लिया है व्हाइट कलर में। इसके साथ हमें ब्लाउज पीस भी मिल रहा है, तो ये पिंक कलर में, और अभी मैंने इसे स्टिच नहीं करवाया है, तो काफी सुंदर लगेगी ये साड़ी पहनने में। उसके बाद है जो सेकंड ड्रेस, वो ली है मैंने फ्लिपकार्ट से। तो ये मस्टर्ड येलो कलर में है और ये कॉटन की है। तो इसमें ये पैंट है, लेकिन ये निकलने वाला पैंट नहीं है इसमें। और साथ ही ये साइज मुझे जब मैं इसे पहनी थी तो ये मतलब आफ्टर वॉश के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने जब इसे फर्स्ट टाइम पहना था तो ये थोड़ी सी मुझे लूज हो रही थी, तो मैंने इसे टाइट नहीं करवाया। कि कॉटन होता है कि कई बार कॉटन मतलब सिकुड़ जाता है, वो टाइट हो जाता है, तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार मैं वॉश करने के बाद फिर देखूंगी। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, तो इस तरह से है ये। और काफी सुंदर लग रही है ये पहनने में, बहुत ही प्यारी लग रही है, फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। साथ ही इसके साथ पैंट मिला है और काफी अच्छी इलास्टिक में है ये, इस तरह से। तो पूरा सेट है ये। तो सभी की मैं कोड और प्राइस डालते जाऊंगी। उसके बाद जो मेरी थर्ड कुर्ती है, ये भी कुर्ता सेट है, इस तरह की ये कुर्ती, और बहुत ही प्यारी लग रही है ये पहनने में, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। ये भी कॉटन में है और अभी मैंने इसे वॉश नहीं किया है, तो शायद हो सकता है कि ये भी फिर ठीक आ जाए फिटिंग में। ये अभी मुझे थोड़ी सी लूज लग रही है, वैसे मुझे लग रहा है कि धोने के बाद ये एकदम मतलब फिटिंग में आ जाएगी। तो इसमें इस तरह के ये पिंक, और ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ग्रीन कलर है, तो देखने से ऐसा लग रहा है दूर से कि शायद ब्लैक कलर है, लेकिन ये ब्लैक कलर नहीं है, ये डार्क एकदम डार्क ग्रीन कलर है। तो बहुत ही प्यारी लग रही है ये, और इस तरह से इसकी जो आस्तीन है वो, साथ ही जो इसका पैंट है वो इस तरह ऐसा है, ये भी इलास्टिक वाला, और इसमें भी बटन लगी हुई है यहाँ नीचे, तो काफी सुंदर मतलब लगता है इस तरीके के जो पैंट पहनने में, बहुत ही प्यारे लगते हैं इस तरह के डिजाइन वाले। तो
कुल मिला के बहुत ही अच्छा लगा और पहनने में बहुत सुंदर लग रहा है। और काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा है जब मैं इसे पहनी थी कि कहाँ से लिए हो, तो सभी को पसंद आया है ये। और कलर वाइज बहुत प्यारा है, फिटिंग भी इसकी काफी अच्छी, बस थोड़ा सा मुझे लूज लग रहा है जो कि शायद धुलने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो मेरी थर्ड कुर्ती है वो है ये बांधनी की कुर्ती, और इसका कलर ना इतना प्यारा कलर लग रहा है, बिल्कुल फेस्टिवल के हिसाब से है ये कुर्ती। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है, अभी बताती हूँ आपको, उस गड़बड़ी को मैंने ठीक कर लिया है। तो ये बिल्कुल फुल है, मैक्सी स्टाइल में है ये पूरी कुर्ती, मैक्सी कहना चाहिए, तो पूरी बिल्कुल फुल आई थी मुझे। लेकिन ना मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, मतलब जैसी मैंने इसे देखा था तो पिक्चर देखने के बाद और जब मैंने इसे बुलाया तो बिल्कुल फुल आ रही थी, मगर वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी पहनने में मुझे। शायद जो मेरी मतलब हाइट से कोई ज्यादा, उन्हें शायद ज्यादा अच्छी लगती, तो बिल्कुल पूरी फुल जा रही थी ये, लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ से इतनी ये और बड़ी थी, मैंने इसे इतना कटवा लिया, इसे इतना काट लिया, और जो नीचे की लेस थी वो तो इसी में अटैच कर ली, और वो जो कटा हुआ इतना इतनी चौड़ी जो पट्टी निकली थी, मैंने उससे इस तरह के ये लूप बनाए हैं, और एक गोल्डन लेस में इसे अटैच कर दिया है। तो ये इस तरीके से मैंने इसमें बना लिए हैं, बस उतने ही कपड़े में, जितना कपड़ा बचा था जो निकला था ना, बस उसी से मैंने ये बनाए हैं, दोनों साइड ये बने हैं। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, वो जितनी फुल लग रही थी ना वो अब ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे। पहले थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लग रही थी, तो अब लेकिन काफी अच्छी लग रही है। तो ऐसे मैंने इसे बनवा लिया है, और ये गोटा पट्टी वाली लेस जो होती है ना, उससे अलग ही एक लुक आ जाता है ड्रेस का। किसी भी ड्रेस में जब ये लगी होती है ना, तो बहुत ही सुंदर लगती है सामने, साथ ही इसके गले में भी ये बनी हुई है डिजाइन, तो बहुत प्यारी लग रही है पहनने में, बहुत ही सुंदर कलर है। इसमें और भी कलर थे लेकिन मैंने ये वाला कलर पसंद किया, और जो एक और कलर है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है उसका। जो अगली ड्रेस है वो तो क्या कहने, बहुत 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 ही सुंदर लग रही है वो मुझे, और शायद आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो इस तरह की ये कुर्ती है, और ये शरारा सेट है पूरा, इस तरह की ये कुर्ती है रानी कलर में, साथ ही इसकी स्लीव्स ऐसी हैं अम्ब्रेला स्टाइल में, और ग्रीन कलर है, रानी कलर दोनों मिक्स है, साथ ही यहाँ पे गोटा पट्टी वाली लेस लगी हुई है, उसके कारण ये और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। और नेक पे भी ये ऐसी वाली लेस लगी हुई है इसमें, और फिटिंग भी बहुत बढ़िया, बिल्कुल इससे ना तो फिट करवाना है, ना ढीली है, ना टाइट है, बहुत ही बढ़िया फिटिंग है इसकी। साथ ही जो शरारा है इसके साथ बहुत ही प्यारा कलर है, ये एकदम खिला वाला जो कलर होता है ना वो कलर है, और इलास्टिक भी बहुत बढ़िया इलास्टिक है। साथ ही ये इसमें भी गोटा पट्टी लगी हुई है शरारा में, और काफी अच्छी लेंथ है इसकी, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सेट पहनने में। और सभी के प्राइस बिल्कुल रीजनेबल हैं, तो खरीदने में भी हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे, इसमें भी काफी सारे कलर अवेलेबल हैं। तो मेरे पास, मुझे रानी कलर चाहिए था, और बहुत ही ज्यादा ये खिला हुआ लगता है जब हम किसी फंक्शन वगैरह में इसे पहनते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है ये। तो सारी कुर्तियां काफी अच्छी हैं, काफी अच्छे प्राइस में हैं। कैसी लगी आप लोगों को जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। तो अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ जल्दी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।